Assalamu alaikum. Welcome to my channel IRFAN CH and If. I'm IRFAN CH. There are no problems, only solutions. There are no mistakes, only experience. जब तक कोई गलती नहीं होगी उसका सलूशन, और उसका सलूशन कब कैसे निकलेगा, जब तक आप कोई गलती करेंगे ही नहीं आपको कैसे पता चलेगा ये इसकी तो करेक्शन फॉर्म ही यही है, ये करेक्ट फॉर्म ही ये थी। मैंने प्रैक्टिकल ये अब करके देखा है, या आपने कभी कोई काम गलत किया ही नहीं, या कभी कोई आपने मिस्टेक ही नहीं किया, आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा? या आप ये कैसे जज कर सकते हैं आपका लेवल कौन सा है, या ये आप कैसे जज कर सकते हैं ये काम करते कैसे हैं, ये एक्सपीरियंस होता कैसे है, या किसी से बात कैसे की जाती है, या कोई इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, या टीचर्स के क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है, या खानदान में बैठ के जब बड़े लोग बैठे हैं उनके दरमियान में अपनी बात कैसे की जाती है। कोई इस तरह की बात तो नहीं मुंह से निकल रही जिसकी वजह से किसी बड़े की इंसल्ट हो रही है, या उस बड़े आपकी बात की वजह से उस बड़े को पॉइंट आउट किया जा रहा है, या उस बंदे की बात आपकी नज़र में तो ठीक है, आप समझ रहे हैं कि यार वो गलत कह रहा है, आप उस महफिल में उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, हालांकि आपकी एज तो छोटी है लेकिन आप उनके साथ बैठे हुए आपने वहीं पर उसे पॉइंट आउट कर दिया है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं रही फिर वहाँ पे आपने अपना लेवल आपने भी खो दिया कि आपको अभी तक बात नहीं करना आती, आपकी तरबियत कैसी है। इस वजह से कहते हैं, देखिए आजकल जो कहते हैं ना तलीमो तरबियत तो तालीम ही होनी चाहिए पहले, अगर हमारे पास तरबियत आ जाए ना तलीम का फिर फ़ायदा होता है। देखिए आपके पास इतनी तालीम है, अगर आपको मैनर्स ही नहीं है किसी चीज़ के उस तलीम का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको तरबियत है तालीम है फिर आपकी बड़ी वर्थ है फिर भी आपकी, क्योंकि आप कहीं पर जाकर बैठेंगे आपको बैठने का सलीका आता है, आपको खाने का सलीका आता है, आपको किसी से बात करने का सलीका आता है, आपको किसी को रिस्पेक्ट देनी आती है, आपको पता है अगर किसी कोई गलत बात कर रहा है उसे रोकना किस तरह से है कि स्टॉप इट, बस इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, ये गलत बात है, ये इस सेंस में होनी ही नहीं चाहिए, ये यहाँ पर मेरी इंसल्ट हो रही है, किसी तीसरे बंदे की इंसल्ट हो रही है, हम गीबत की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं। कब आएगा? जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। देखो बड़ों की, मैंने आगे जो बात हुई, बड़ों की महफिलों में जाके बैठना लेकिन उन्हें पॉइंट आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। और अगर हमें कोई बात उनकी नहीं अच्छी लगती, जिस बंदे की नहीं ना जस्ट अच्छी लग रही, जब महफिल ख़त्म हो जाती है सेपरेट बैठा होता है जाने लगते हैं, आप उसे सेपरेट जाके पूछ भी तो सकते हैं ना, ये आपने बात की है काइंडली, अगर आप इसे एक्सप्लेन कर दें मेरे तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात थी, अगर आप इसके बारे में कुछ बता दें, गुड मैनर्स, वो भी खुश होगा यार चले ये मेरी बात गौर से सुन तो रहा था ना, इसने आके मुझसे आर्गुमेंट तो किया ना, या मेरा खौफ नहीं है यहाँ पे कि मेरी वजह से, मेरे खौफ की वजह से लोग मेरे साथ आके बातें नहीं करते, बल्कि मैं अच्छा बंदा हूँ जो प्यार मोहब्बत बांटता हूँ और अच्छी बात करता हूँ, बर्दाश्त कर लेता हूँ, सब्र कर लेता हूँ, बर्दाश्त और सब्र जो कर लेता ना उससे उस बंदे से कोई नहीं फिर अलग होता, उसके साथ हर बंदा जुड़ना चाहता है, क्योंकि बर्दाश्त और सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरह नहीं कहा गया तो कुरान पाक में सब्र के बारे में बहुत ज़्यादा तरकीन की गई है, इसी वजह से की गई है क्योंकि बहुत बड़ी एक आजमाइश है सब्र करना, सब्र का फल मीठा होता है लेकिन ज़्यादा सब्र भी नहीं करना, सिंपल सी बात है। कोशिश करें कि मैनर्स खुद सीखें, तरबियत खुद करें अपनी, वालदैन बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, कोई शक नहीं, तालीम और तरबियत मीन्स स्कूल्स वाले भी बहुत अच्छी तरबियत कर रहे होते हैं, लेकिन जो कमी रह जाती है वो हमने खुद सेट करनी होती है, हमें चाहिए कि इस पर एफर्ट करें, इस पर मेहनत करें, इसके बारे में सोचें और इंशाल्लाह ताला खुद अपनी सलाह करें, आपको खुद जज अपने आप करना चाहिए। आखिर में अल्लाह तआला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।